सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो तो पंजाब टीवी। तो मैं जज सिंह चाहल। पंजाब दीआं मंडियां दे विच झोने की खरीद सही ढंग नाल शुरू ना होण दा मुद्दा मान सरकार दे गले की हड्डी बनता नज़र आ रहा है। दिल्ली तक पहुँच कर ली है पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। इस दे बावजूद उन्हां दी सरकार दे खिलाफ किसानां, आड़तियां, शैलर मालकां अते मंडी दे मजदूरां दे वल्लों कुछ वड्डे ऐलान कर दित्ते गए ने। इन्हां सारे वर्गां दे वल्लों एक मीटिंग बीते दिन चंडीगढ़ दे किसान भवन दे विच कीती गई। अते मीटिंग तो बाद पंजाब सरकार दे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दे खिलाफ भी कुछ वड्डे ऐलान कीते गए ने, जिन्हां दे बारे जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों दित्ती गई है। सब तो पहलां तुहानूं उन्हां दा बयान सुना दिंदे आ। असीं इह फैसला कीता है वी अज तों बाद जिथे भी कोई आम आदमी पार्टी का MLA या मंत्री मंडियां जाएगा उन्हूं काले झंडे दिखाए जाएंगे, उहदा घराओ भी किया जाएगा। मंडियां विच आड़ती सारे पंजाब विच काले झंडे लाउणगे। BJP का रवनीत बिट्टू जिथे भी जाएगा उहदा काले झंडे नाल विरोध किया जाएगा। 18 अक्तूबर नूं पंजाब तों घट्टो घट 1000 किसान ते आड़ती मजदूर ते व्यापारी राइस मिलर्स ये सारे घट्टो घट 1000 बंदा मुख्यमंत्री की कोठी अगे धरना देगा पक्के तौर पर। ते जदों तक खरीद नहीं हुंदी उदों तक धरना दिता जाएगा। ये अज दे असी फैसले कीते है। एक पासे जिथे मंडी दे विच खरीद सिस्टम नाल संबंधित इन्हां सारे वर्गां दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच मीटिंग कीती जा रही सी, उधर दूजे पासे दिल्ली पहुंचे हुए सन बीते दिन पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अते रवनीत सिंह बिट्टू। इन्हां दोवां दे वल्लों केंद्र सरकार दे विच मंत्री प्रहलाद जोशी दे नाल झोने दी लिफ्टिंग नूं लै के, चौलां दी लिफ्टिंग नूं लै के मुलाकात कीती गई। मुलाकात तों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया दे सामने आके जानकारी सांझी कीती कि केंद्र सरकार दे वल्लों मंगा मान लईआं गईआं ने। मंत्री साहब ने गल की सी प्रहलाद जोशी जी ने, तो उन्होंने शुरू भी करवाती सी जिहड़ी डिलीवरी शुरू कराती सी पंजाब चों जिहड़ा चावल पे है पिछले साल वाला चक्कना 7 लाख मीट्रिक टन हुण तक चक भी लिया गया। तो हुण अज उन्होंने ये मंग असी रखी है तो उन्होंने बिल्कुल ये जोर दे के विश्वास दे के गल कही है कि असी पंजाब तो ही सारा PDS वास्ते भी चाहिए है तो पंजाब तो ही लेना है जो अनाज है तो असी जिहड़ा वो 120 लाख मीट्रिक टन इस वक्त साढ़े पंजाब के स्टोरों से जिहड़ा चौल पे है जिन्हों इन्होंने वादा किया कि 31 मार्च तक असी जिहड़ा क्लीयर कर देंगे तो ताकि अगला चौल जिहड़ा नवंबर तो बाद उहदे वास्ते मिलरां कोले स्पेस हो। 31 मार्च तक 120 लाख टन चौल पंजाब दे विच्चों चुक लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिनी देर तक राइस मिलरां दे वल्लों मिलिंग करके उसके चौल गोदामों दे विच भेजे जाने ने उन्नी देर तक गोदाम खाली कर देंगे। ये भरोसा केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं दिता गया है। गल विरोधी धिरां दी करिए तां उन्हां दे वल्लों भी इस मुद्दे नूं बड़े जोर शोर दे नाल चुकिया जा रहा है। इन्ने जोर शोर दे नाल कि पंजाब दी विधानसभा दे विच विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा भी दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस पार्टी दे दिल्ली हैडक्वार्टर दे विच उन्हां दे वल्लों एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दित्ती गई, जिस दे विच उन्हां ने सारे देश दा मीडिया सद्या अते पंजाब दीआं मंडियां दा झोने दी खरीद दा मुद्दा चुकिया। ये जो प्रेजेंट BJP की सरकार है इनको बहुत भारी नाराजगी है पंजाब की किसानी के साथ। ये सोची समझी साजिश, ये एक बहुत बड़ा चार्ज है जो मैं लगा रहा हूं, एक सोची समझी साजिश के अधीन पंजाब की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का प्रोग्राम। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रहलाद जोशी जी को और रेलवे मिनिस्ट्री को, क्या जोशी साहब और रेलवे मिनिस्टर साहब पिछले 60 साल से लगातार मूवमेंट होती है पंजाब में? आपको पता है मूवमेंट करनी है? क्या भगवंत मान आपको आकर बताएगा तो आप मूवमेंट करेंगे? क्या आपकी यह जिम्मेवारी नहीं है मूवमेंट कराना? और यह चीज सड़कों पर तब किसान निकलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनेगी। एंड पंजाब हैज आई वॉन्ट टू प्री वॉर्न
दिस गवर्नमेंट एट द सेंटर। पंजाब इज ए हिस्ट्री, जब भी एग्रेरियन क्राइसिस हुआ है, किसानी का क्राइसिस हुआ है, पंजाब के हालात हमेशा बिगड़े। कांग्रेस पार्टी तो इलावा गल श्रोमणी अकाली दल की कीती जावे तो श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों भी बीते दिनी कोर कमेटी की बैठक बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगवाई दे विच कीती गई सी। अते इस कोर कमेटी की बैठक तो बाद 72 घंटिया का अल्टीमेटम श्रोमणी अकाली दल भी मान सरकार नूं दिता होया है। सरकार का इन्ना बेड़ा गर्क होया कि सब तो मुश्किल जे ऐसी प्रक्योरमेंट दे विच किसानी नूं फेस करनी पै रही है तो वह इस वेले आम आदमी पार्टी की सरकार ने एहोजे हालात बनाते। उहदी सजा जिहड़ी सरकार की अणगहली की नलैकी की वह किसान भुगत रहा। असीं सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि 72 घंटे दे विच विच इह सारे हालात जिहड़े आ एक एक दाणा किसान दा चुक्या जाणा चाहीदा, नहीं तो श्रोमणी अकाली दल डट के किसानी दे नाल खड़ा, भावे सानू सड़कां ते निकलना पवे भावे कुछ करना पवे, असी हर तरह की लड़ाई जिहड़ी आ ओह किसानी वास्ते लड़ांगे। पर सरकार नू चेतावनी दिंदे आ कि अपनी कुमकरनी नींद तो जिहड़ी आ ओह जागे ते अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी आ ओह निभाए, जे नहीं निभा सकदी उहनू छड्ड के पासे। इन्हां सारियां पार्टियां दे बयानां तों बाद गल हुण निकल के सामने ये आउंदी है कि जो झोने की खरीद अक्सर 1 अक्तूबर तो शुरू हुंदी है, ऐलान इस वार भी इसे तरीक दा ही कीता गया सी कि 1 अक्तूबर तो झोने की सरकारी खरीद शुरू कर दिती जाएगी, पर अक्तूबर का अद्धा महीना लंघण के बावजूद ढुकवें ढंग नाल खरीद शुरू नहीं हो सकी। कई थावां ते कुछ कुछ खरीद जरूर हुई पर हड़तालों के करके अते गोदाम खाली ना होने के करके झोने की किस्म PR 126 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।